कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के सामने 5 सवाल उठाए हैं। साथ ही मांग की है कि मतगणना के समय अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, अहमद पटेल और जयराम ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मांग की है कि 19 मई के चुनाव के बाद काउंटिंग के पहले ईवीएम के नंबर बताए जाएं। इसके अलावा खराब मशीनों के बूथ की जानकारी भी दी जाए। कांग्रेस ने यूपी सरकार पर अमेठी के साथ सौतेलिया व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। आप 19 तारीख के पोलिंग खत्म समाप्त होने के बाद, लेकिन तुरंत उसके बाद काउंटिंग के लिए अलग अलग विभिन्न स्थानों पर ये बताइए कि कौन सी ईवीएम, क्या नंबर वाली ईवीएम जो किस बूथ से गई थी वो लाई जा रही है किस स्थान पे काउंटिंग के लिए। यानी अगर बूथ नंबर 1 पे 10 ईवीएम है तो उनके नंबर प्राप्त होने चाहिए ईवीएम नंबर 1 से लेकर ईवीएम नंबर 10, जिससे जब काउंटिंग होगी तो हम ईवीएम्स का मिलान कर सकते हैं कि जब वहाँ मतदान हुआ था तब 10 थी, आज काउंटिंग 11 की तो नहीं हो रही है।